14 अगस्त 1947, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। हेलो गाइस, जब कि आपको पता है कि आज 14 अगस्त है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ, लेकिन राइट नाउ आई एम इन यूके। सो मेरा मैसेज ये है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में, सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। हमें ये आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों की वजह से मिली है और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में खुशी मनाएं और अपने मुल्क को बुरा भला ना कहें, बल्कि हम आज़ादी के साथ और आगे बढ़ाने के लिए खुश रहें। जबकि पीटीआई आ गई है तो हम बहुत खुश हैं कि वह वो मुल्क में चेंजिंग लेके आएंगे। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज़ारावाल चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग के लिए भेजूँ। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। मैं हज़ारेवाल चैनल हाँ बैरूने मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों वास्ते अलहदा प्रोग्राम सैगमेंट ओपन करने ते खराज तहसीन पेश करदा वा, और सरदार फैसल की तरफों तमाम अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों वा जश्न आज़ादी मुबारक हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान मनाया जाएगा जोश व जज्बे के साथ, और इसको इसकी अहमियत इस दफ़ा इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो आप सबको चाहिए कि जोश व जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाएं और खसूसी तौर पे मौलाना फजल रहमान को भी अपना पैगाम पहुंचाएं जश्न आज़ादी का। और मैं खसूसी तौर पे हज़ारावाल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मेरा मैसेज आवाम तक पहुँचाया, और मैं हज़ारावाल के लोगों को भी जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लिया। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।